वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्टिंग आर्ट। आज हम दो चीजें बनाना सीखेंगे रिलेटेड टू दिवाली डेकोर। सो इसके रिक्वायरमेंट्स मैं बता देती हूँ। ये है प्रिंगल का बॉक्स, ऐसे मिल जाते हैं आराम से प्रिंगल के बॉक्स। और ये है शटल कॉक्स का, जो इसके शटल कॉक्स होते हैं वो खाली एम्प्टी बॉक्स है। और कुछ ग्लिटर शीट्स, मार्कर, पेन नाइफ, सीजर्स, फेविकॉल, अनयूज्ड सीडीज और वेस्ट सीडीज, कुछ दिए, या तो यूज्ड हो सकता है, न्यू हो सकता है, या तो ऑलरेडी पेंटेड भी आप ले सकते हो। कलर्स फेविक्रिल ले सकते हो, पोस्टर कलर्स ले सकते हैं, और हमको चाहिए कुछ ग्लिटर्स। ये आसानी से आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, या तो आपके घर में कुछ पड़ा होगा तो उससे भी आप यूज कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्रिंगल का एम्प्टी बॉक्स, हम इसका कवर हटा देंगे। पहले हम सीढ़ी सजा के देखेंगे कि ये कैसे बन के आएगा, ताकि हमको पोजीशन का पता चल जाए। ये आपको ऐसे बन के आएगा, तो हमको ये मार्किंग करनी है यहाँ पे और यहाँ पे। चाहे आप पेंसिल से कर लो, चाहे आप पूरा रेड कर लीजिए बॉक्स को। चलिए अभी हम एम्प्टी सीरीज पे ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, जैसे मैंने रेडी किया था ऑलरेडी। अब हम फेविकॉल यूज करके हम इसमें चमकी भरेंगे। पहले हम ग्लू लगाएंगे, हमें इतना ही लगाना है। यहाँ पे ये एरिया हमको छोड़ना है, क्योंकि हमें इसको वो प्रिंगल के बॉक्स में इंसर्ट करना है, तो हम इतना छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ग्लास पेंसिल से। अब हम
इसके अंदर यूं चमकी डालेंगे। ये चमकी डालने के बाद हमने थोड़ा डैप कर देना है ताकि ये बिल्कुल फेविकॉल के साथ चिपक जाए, और इसके बाद इसको ऐसे निकाल देना है और थोड़ा जो साइड्स में लगा है उसको हाथ से हटा सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ सीडीज रेडी किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये भी चमकी से है। ये कुछ कुंदन और ग्लिटर बटरफ्लाइज हैं, ये भी यही ग्लिटर शीट से काटा हुआ है। ये भी यूं बस चिपकाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। ये भी मैंने ग्लिटर से ही किया है और यहाँ पे इतना पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। ये मैंने एक्रेलिक पेंट यूज किया है और ये यहाँ पे मैंने मेरे पास ऐसे एक माला पड़ी थी ऐसे बीट्स वाली, सो ये टूट गई थी तो मैंने उसको रख रखी थी, तो वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये पेंट हो गया हमारा, अब तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। जो हमने इतना पोर्शन छोड़ा था इसमें ताकि ये यहाँ पे इंसर्ट कर सके, ये भी हमने इतना छोड़ा है और ये भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। आपने देखा होगा ये हमने थोड़ा सा अप एंड डाउन किया है। अब आई बारी दिए की पेंटिंग की। आप चाहे तो नए दिए यूज कर सकते हो, या तो यूज्ड वाले दिए भी यूज कर सकते हो, या तो जो आजकल मार्केट में मिलते हैं बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिजाइन वाले दिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज नए दिए पे या तो यूज्ड दिए पे पेंट करके यूज करेंगे। तो चलिए पेंट करना स्टार्ट करते हैं। Thank you.